सो हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टॉप 25 जीके के क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एयरफोर्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए और अपना स्कोर जो है आखिरी में कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका स्कोर इसमें कितना आया, ताकि मेरे को पता लग सके कि आप लोगों की तैयारी का लेवल कितना है। और जो भी आपको क्वेश्चन नहीं आता उसको ढंग से याद कर लीजिए, क्योंकि ये जो भी मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और रही बात करंट अफेयर्स वीडियो की, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे थे सर करंट अफेयर्स कब करवाओगे क्योंकि एग्ज़ाम पास में आ गए हम लोग के, तो उसकी टेंशन आप मत लीजिए, अभी उस पर काम चल रहा है। प्रोबेबली आपको कल या परसों तक वो वीडियो पक्का मिल जाएगी। तो उसमें मैं पूरा करंट अफेयर्स का भी PDF तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें मैं सोच रहा हूँ ऐसा कि मतलब कम से कम करंट अफेयर्स रखे जाएँ और अच्छे से अच्छे करंट अफेयर्स रखे जाएँ, ऐसे रखे जाएँ जिस प्रकार नेवी में जो मैंने आपको PDF दिया था। और प्रोबेबली सिर्फ एक या दो शिफ्ट को छोड़ के सभी ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में नेवी में क्वेश्चन आया, तो उसी तरह का मैं सोच रहा हूँ कि एयरफोर्स में एक दो शिफ्ट भी वो मिस ना हो और हर शिफ्ट में जो मैं क्वेश्चंस आपको दूँ PDF फॉर्मेट में, वो सभी क्वेश्चंस आपके एयरफोर्स के जो एग्ज़ाम हो हर शिफ्ट में फंसे आपके। तो उसी पर अभी काम चल रहा है, प्रोबेबली आपको कल या परसों वीडियो मिल जाएगी, तो उसका आप टेंशन मत लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में किस हार्मोन की कमी से एक बीमारी होती है जिससे बौनापन कहा जाता है? तो ऑप्शन है थायरॉक्सिन, ग्लूकागॉन, इंसुलिन या फिर प्रोजेस्टेरोन। तो सही आंसर है इसका पहला ऑप्शन। तो थायरॉक्सिन नामक जो हार्मोन होता है, ये इसकी कमी से क्रेटिनिज्म नाम एक जन्मजात रोग हो जाता है, जिसके कारण जो किसी पर्सन की हाइट कम रह जाती है और जिसको हिंदी में बौनापन बोलते हैं, ठीक है। और इसको एक्चुअली T4 से भी डिनोट करते हैं, जो हार्मोन होता है इसको T4 से भी डिनोट करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, सेकंड नंबर, राज्य सभी बच्चों को जब तक कि वे 6 वर्ष की आयु नहीं प्राप्त कर लेते उनके प्रारंभिक बचपन की देखरेख एवं शिक्षा प्रदान करेगा, यह प्रावधान किसके अंतर्गत आता है? तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, DPSP यानी कि जो नीति क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, नीति निर्देशक सिद्धांत, उसके तहत आता है ये अनुच्छेद 45 में। तो इसका सही आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 45 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर की, जब कोई यह प्रश्न उठता है कि एक सांसद अनुच्छेद 102 के क्लॉज 1 के अंतर्गत वर्णित अयोग्यताओं के अधीन हो जाता है, तो इस प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए डैश को संदर्भित किया जाता है एवं डैश का निर्णय अंतिम होगा। तो जाहिर सी बात है इसके ऐसे केस में राष्ट्रपति जो होता है, इंडियन प्रेसिडेंट होता है, उसका जो निर्णय होता है वो अंतिम होता है, आखिरी होता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ ऑप्शन, भारत के राष्ट्रपति। फिर अगला क्वेश्चन है, अमोघ वर्ष एक प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे, पल्लव राजा थे, राष्ट्रकूट राजा थे या फिर सातवाहन राजा थे? तो सही आंसर इसका थर्ड ऑप्शन, राष्ट्रकूट राजा थे। तो अमोघ वर्ष एक बहुत ही प्रसिद्ध राष्ट्रकूट सम्राट थे और इनकी तुलना अशोक से भी की जाती थी। जो इतिहासकार RS पंचमुखी थे, उन्होंने इनकी तुलना द ग्रेट अशोक से भी की थी। फिर अगला क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर की, करो या मरो किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? डांडी से, असहयोग से, खिलाफत से या फिर भारत छोड़ो से? तो ये आप लोगों को पता होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये जुड़ा हुआ है आपके असहयोग आंदोलन से। तो सॉरी, भारत छोड़ो से, गलत बोल गया मैं, जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 8 अगस्त 1942 को, उसकी शुरुआत करते हुए महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, ठीक है। और कहाँ पर ये शुरू हुआ था? बॉम्बे में, बॉम्बे के जो ग्वालिया टैंक मैदान था वहाँ से शुरू हुआ था, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, स्रोतों के उद्गम के आधार पर विषम को पहचाने, फ्लोरा एवं फौना, मानव जाति, चट्टाने एवं धातुएं या फिर मछली पालन? तो सही आंसर इस क्वेश्चन का चट्टाने एवं धातुएं। क्यों? क्योंकि जो भी और ऑप्शंस दिए हैं वो सभी लिविंग थिंग्स हैं, यानी कि वो जीवित हैं, ठीक है, लेकिन जो चट्टाने एवं धातुएं दिया है यहाँ पर, ये सभी ये कैसे हैं, ये अजैव संसाधन है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है सेवन्थ नंबर, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? 21 जून, 22 दिसंबर, 21 दिसंबर या फिर 18 जून? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, 21 दिसंबर। देखिए, हम लोग भी उत्तरी गोलार्ध में ही रहते हैं और 21 दिसंबर सबसे छोटा दिन होता है, और फिर यहाँ से जो दिन होते हैं वो बड़े होने चालू हो जाते हैं और जो रातें होती हैं वो छोटे होने चालू हो जाती हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, 8th नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सी खनिज केरल के मोनाजाइट रेत में पाई जाती है? ऑप्शन आपके यूरेनियम, थोरियम, ताम्र या फिर पेट्रोलियम? तो इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन, थोरियम। तो केरल में यह पाया जाने वाला मोनाजाइट एक अयस्क में थोरियम पाया जाता है, जिसे यूरेनियम के आइसोटोप में परिवर्तित कर इसका प्रयोग जो है परमाणु रिएक्टर के ईंधन बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट लीजिए, इसका आंसर है थोरियम।
सेकंड ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन, विश्व में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? भारत में, ब्राजील में, चीन में, फिर यूएसए में। तो सही आंसर इसका है सेकंड ऑप्शन, ब्राज़ील। तो ब्राज़ील एक साउथ अमेरिका की कंट्री है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा गन्ने की खेती होती है। इसके बाद नंबर आता है भारत का, ठीक है। और इसको ब्राज़ील इसको जैसे कि चीनी बनाने के लिए और अल्कोहल बनाने के लिए बहुत कामों में इसको इस्तेमाल करता है ब्राज़ील। फिर अगला क्वेश्चन है 10th नंबर की, रण उत्सव यहाँ मनाया जाता है, मतलब कहाँ मनाया जाता है ये आपसे पूछा है। गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में, फिर मध्य प्रदेश में। तो इसका पता होना चाहिए, जो रण उत्सव होता है वो गुजरात में मनाया जाता है। ये 3 महीने तक ये उत्सव चलता है और जो कच्छ भूमि होती है, जो सफ़ेद रेत और कच्छ भूमि में इसको मनाया जाता है। तो ये गुजरात का बहुत ही एक मुख्य उत्सव है, रण उत्सव। फिर अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय सरकार का कर नहीं है, आयकर कर, कस्टम ड्यूटी, मनोरंजन कर, या फिर सेवा कर। तो सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, मनोरंजन कर। ये केंद्रीय सरकार का नहीं, बल्कि जो राज्य सरकार होती है वो ये कर लगाती है, मनोरंजन कर। और सबसे ज़्यादा मनोरंजन कर उत्तर प्रदेश की सरकार लगाती है, वो होती है 60%, यानी कि 60%, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाम आर्थिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन आप देख सकते हो, इसका जो सही आंसर है वो है फोर्थ ऑप्शन, नील्स हेनरिक डेविड बोर। तो ये आपने केमिस्ट्री में बहुत नाम सुना होगा, बोर। बोर इन्होंने थ्योरी भी दी थी। ये एक डेनमार्क के बहुत ही प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक हैं और इनका पूरा नाम नील्स हेनरिक डेविड बोर है, ठीक है। इन्होंने 1922 में इनको इसी काम के लिए नोबेल भी मिला था, अपने जो महत्व क्वांटम जो थ्योरी आपने नाम सुना होगा केमिस्ट्री में, फिजिक्स में भी सुना होगा, क्वांटम सिद्धांत, उसके लिए इनको 1922 में भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। फिर अगला क्वेश्चन है 13th नंबर के, सिलिकन आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला डैश है, अर्धचालक है, चालक है, एम्पलीफायर है, फिर विद्युत रोधी है। तो इसका सही आंसर है पहला ऑप्शन, अर्धचालक। तो सिलिकन जो होता है एक मेटलॉयड, इंग्लिश में इसको मेटलॉयड बोलते हैं और हिंदी में अर्धचालक, मेटलॉयड के तौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं, जैसे चिप वगैरह बनती है इससे, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है 14th नंबर की, जैव मंडल अरक्षित क्षेत्र का सबसे सही विवरण है? तो आप ऑप्शन देख सकते हो आप अपने, इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, सतत विकास के अध्ययन स्थल के लिए, ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस पूरे विश्व में किस दिन मनाया गया? तो 20 अप्रैल, 20 अप्रैल को, 21 अप्रैल को, 22 अप्रैल, या फिर 24 अप्रैल 2014 को। तो सही आंसर इसका थर्ड ऑप्शन, 22 अप्रैल 2014 को इंटरनेशनल मदर अर्थ डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस मनाया गया। फिर अगला 16th नंबर की, डैश मिट्टी को रेगुर भी कहा जाता है, तो काली मिट्टी को, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इस बार यूपी जो कांस्टेबल का पेपर हुआ तो उसमें पूछा गया था ये। तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, और ये जो रेगुर शब्द है ये एक साउथ के जो स्टेट पड़ता है तमिलनाडु, वहाँ की तमिल तेलुगु भाषा होती है, वहाँ पर बोली जाती है, उसी से ये वर्ड आया रेगुर। और जो काली मिट्टी है वो कपास की खेती के लिए जानी जाती है। फिर 17th नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक क्षेत्र में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र वर्गीकृत करने का आधार है? तो इसका आधार है उद्यमों का स्वामित्व, तो थर्ड ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा इसका। फिर निम्न में से कौन लॉन टेनिस के खिलाड़ी नहीं है? तो टाइगर वुड्स इसके लॉन टेनिस खिलाड़ी नहीं, टाइगर वुड्स एक गोल्फ खिलाड़ी है, अमेरिका से ये बिलोंग करते हैं और ये बहुत ही बड़े, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक गोल्फ खिलाड़ी हैं, और ये इनको सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फीस इनको मिलती है एक, मतलब स्पोर्ट्स पर्सन में अगर रैंक किया जाए तो इनका सबसे टॉप में नाम आता है जिनको हाईएस्ट फीस मिलती है। फिर 19th नंबर क्वेश्चन की, 3 R जो हमें दीर्घकालीन प्रयोग के लिए प्राकृतिक संसाधनों को परिरक्षित रखने में मदद करते हैं वे हैं? तो आप अपने ऑप्शन देख सकते हो, इसका जो सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन है, घटाना, पुनःचक्रण और पुनः प्रयोग, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि नदी का जल अम्लीय अपशिष्ट से संदूषित होता है यदि जल का पीएच हो? तो जाहिर सी बात है जब 7 से कम होगा तभी संदूषित होगा। 7 से कम का मतलब होता है जो जल है वो अम्लीय हो गया है, ठीक है, और अगर 7 से ज़्यादा होता है तो क्षारीय हो गया है, ठीक है। अगर क्या हो गया 7 से ज़्यादा, पीएच, पीएच का मतलब क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। पी का मतलब होता है पावर या फिर पोटेंशियल, और हाँ एच का मतलब होता है हाइड्रोजन, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर की, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? तो इसका सही आंसर होगा पहला ऑप्शन, फीमर। तो ये फीमर सबसे लंबी होती है, इसकी लंबाई लगभग 50 सेंटीमीटर होती है, और ये हमारे शरीर में जो जांग में पाई जाती है, ठीक है। फिर है, और जो सबसे छोटी होती है वो कौन सी होती है, वो होती है स्टेपीज। कौन सी होती है, स्टेपीज, कहाँ पाई जाती है, और ये कान में पाई जाती है, ठीक है।
फिर सेवा कर इकट्ठा करने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो सेवा कर इकट्ठा करने के लिए केंद्रीय आबकारी विभाग जिम्मेदार है। जो सेवा कर यानी कि इंग्लिश में बोले तो सर्विस टैक्स को जमा करने का जो दायित्व होता है वो केंद्रीय बिक्री और सीमा शुल्क बोर्ड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं CBEC, उसका होता है, ठीक है। और ये इसका जो ये सभी स्टेट जितने भी इंडिया स्टेट होते हैं ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है और हर स्टेट में ये होता है, लेकिन जम्मू कश्मीर इसका एक्सेप्शन यानी कि अपवाद है। फिर आखिरी क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को देना है कि पृष्ठ तनाव की इकाई क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर क्यूब, न्यूटन मीटर या फिर न्यूटन पर मीटर। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा जो भी आप लोगों को आंसर पता हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। और कितने आपके क्वेश्चन 25 में सही हुए ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए मेरे को। और कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। वीडियो को हो सके तो शेयर कर दीजिएगा और ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।